सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। मुस्लिम समाज द्वारा 1 अगस्त को बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाना है। बकरीद के दौरान कुर्बानी की प्रथा है, मगर इस साल कोरोना को देखते हुए बकरीद का त्यौहार सादगी से मनाने के निर्देश राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसी संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा नवी मुंबई मनपा को निर्देश एवं सूचनाएं भी भेजी गई हैं, जो इस प्रकार है। कोविड-19 के चलते सभी धार्मिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाई गई है, इसलिए बकरीद की नमाज मस्जिद, ईदगाह अथवा सार्वजनिक स्थल पर अदा न करते हुए अपने घर पर ही अदा करें। जानवरों का बाजार बंद ही रहेगा, इसलिए अगर किसी को जानवर खरीदने हैं तो उन्हें ऑनलाइन पद्धति या फिर दूरध्वनि से ही जानवर खरीदने पड़ेंगे। लोगों को प्रतीकात्मक कुर्बानी करने का आह्वान किया गया है। कंटेनमेंट जोन में जो नियम दिए गए हैं वे बरकरार रहेंगे। बकरीद के उपलक्ष्य में उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं दी गई है। बकरीद के उपलक्ष्य में किसी भी सार्वजनिक जगह पर जमा ना होकर भीड़ इकट्ठा ना करें। कोविड-19 का संक्रमण रोकने के लिए जो भी सूचनाएं पालिका द्वारा दी गई है उसका पालन करना अनिवार्य है। नवी मुंबई मनपा द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सामूहिक कत्तलखानों को अनुमति प्रदान की जाती थी, मगर इस बार कोविड-19 के मद्देनजर सामूहिक कत्तलखानों को अनुमति नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।